ये उनको भगाइए जाना। हमको नहीं लगता इस बाईस बातों से आप लोग असहमत होंगे कोई। और सबसे अनुभवी माध्यमिक शिक्षक संघ के पुराने संगठन के जो सद्भवन बाबू अविरत का संगठन है, अब इन लोगों के ऊपर लिबर्टी है कि आप पहले इन लोग से इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि बाद में, आप पर छोड़ते हैं। लेकिन हमको लगता है कि पहले आप ही, चूंकि इतना बुजुर्ग लोग को बैठा कर रखना ठीक नहीं लगता है, आप अपनी बात से हम लोगों को अवगत करा देते और फिर तब तो नौजवान शिक्षक लोग, अभी नौजवान है, लोगों से संगठन से बाद में बात कर लेते। अगर ऐसी इजाजत आपकी होगी, मैं इजाजत मांगा जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव दीपक बाबू, निदेशक माध्यमिक शिक्षा मनोज बाबू, प्राथमिक निदेशक रवि बाबू, रवि प्रकाश बहुत नौजवान है, और हमारे तमाम शिक्षक संगठन के इनकलाबी दोस्तों, भाषण के लिए मंत्री जी ने नहीं बुलाया है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश को सुना है और उनमें इनका भी संदेश सम्मिलित है, सरकार का ही संदेश हुआ और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म शिक्षा दिवस के दिन संदेश हुआ। और आगे हम अपनी बात रखें या पीछे रखें, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस राज्य में जितने शिक्षक संगठन हैं, सबों का सम्मान बराबर है, चाहे छोटा रहे कि बड़ा रहे। 1925 में मेरे संगठन का जन्म हुआ, अब हम शताब्दी समारोह की देरी पर, लेकिन आज भी जो संगठन बनता है हम स्वागत करते हैं। क्यों, हम लोगों ने शिक्षक महासंघ भी बनाया था, जब कोठारी आयोग की सिफारिश आई थी तो प्राथमिक से लेके विश्वविद्यालय शिक्षक तक एक ही शिक्षक महासंघ था, एक झंडा के नीचे सब लोगों ने जेल यात्रा की थी। माननीय भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे और रामचंद्र प्रसाद शिक्षा आयुक्त उस समय पद था। हम लोग घुस आए थे सचिवालय के अंदर, मंत्री जी दीवाल नहीं थी, चार दीवार। अब बीबीसी ने कहा कि सिटी भी प्रवेश नहीं कर पाई, शिक्षक प्रवेश की। रामचंद्र प्रसाद शिक्षा आयुक्त ने कहा कि कोठारी आयोग लागू करने का पैसा नहीं है सरकार के खजाने में। तत्कालीन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, नीतिगत फैसला मैं लूंगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, कोठारी आयोग लागू होगा, पॉलिसी डिसीजन सरकार करती है और उसके पदाधिकारी उसका कार्यान्वयन करते हैं। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए कि जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं, शिक्षा मित्र से लेकर अभी तक की जो यात्रा हम लोगों ने पूरी की है, बहुत धन्यवाद है कि अब हम 30,000 से कम कोई नहीं पा रहे हैं, 40,000-45,000। इसके बावजूद असंतोष क्यों है, इसके बावजूद हमारी सरकार की चिंता क्यों है कि पढ़ाई नहीं होती और हम में से कुछ निकम्मे हैं, यह आरोप अत्यंत ही गंभीर है। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता हूं और हमारे कोई मित्र इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ताली नहीं बजे, कोई भाषण मंचीय नहीं हो रही। मेरा कहना है माननीय मंत्री जी, हम आपको कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग और खास करके माध्यमिक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
शिक्षकों को पढ़ाने ही नहीं देती है। शिक्षकों की रिक्ति भरिए और जो आपकी यह नियोजन प्रणाली है, नियोजन प्रणाली अपने आप में दोषपूर्ण है। यह एवर लास्टिंग स्टोरी है। हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट अंग्रेजी में पढ़ते पढ़ाते थे, एक चिड़िया आई फुर, एक चिड़िया गई फुर, एवर लास्टिंग स्टोरी। यह अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए बिना भाषण किए आप हमारी बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से केंद्रीकृत कीजिए। और जब तक इसको राजकर्मी का दर्जा बहुत उस मांगते हैं, मैं असहमत हूँ। राजकर्मी की सारी सुविधा प्रधानाध्यापक को इन्होंने दे दी बायोनोटिफिकेशन। हमारे कई मित्र जो प्रधानाध्यापक हो गए, उनको कहा कि ये राजकर्मी है, हम तो 50% पार कर चुके। अब 50% जो नौजवान दोस्त बचे हैं, बिना यह कहे सरकारी सेवा साथ, सरकारी छुट्टी, सरकारी वेतनमान बिना दिए यह विसंगति समाप्त नहीं होगी। इसीलिए शेड्यूल 2 जो है 9300 वाला वेतनमान यह देना होगा। और किस विभाग ने, दीपक बाबू आपके पहले आपके महाजन जी थे और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उस कमेटी की सिफारिश है, एक था शॉर्ट टर्म प्लान और दूसरा था लॉन्ग टर्म प्लान। ये पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा को हम मुक्त करेंगे। यह आपको फैसला लेना ही होगा, नहीं तो प्राथमिक में 10% बता रहे थे, वापस बता रहे थे तो, और यहाँ है 4,4500। ये चलता रहेगा। इसीलिए मैं अपनी पूरी बात नहीं कह रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे आपसे। वेतन विसंगति चलती रहेगी। कभी आपका मन होगा जनवरी वेतन वृद्धि तिथि दे दीजिएगा, कभी मन होगा जुलाई खसका दीजिएगा, कभी मन होगा इसको नीचे कर दें, अब कभी मन होगा उसको ऊपर कर दें। जब प्राइमरी में विसंगति दूर करेंगे तो सेकेंडरी रह जाएगा, सेकेंडरी करेंगे तो फिर वही विसंगति चढ़ जाएगी प्लस 2 में। यह जो चलता रहेगा, इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए कि वेतन विसंगति दूर होगी शेड्यूल 2 से। शिक्षकों की रिक्ति आप नहीं भरेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? कहीं बायोलॉजी टीचर नहीं है तो कहीं फिजिक्स टीचर नहीं है, कहीं मैथ टीचर नहीं है, एक बात। और 1961 का शिक्षा एजुकेशन कोड होगा कहीं लाइब्रेरी में, कोई नहीं पढ़ता है शिक्षा विभाग, उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम 12 बजे तक लेट आएंगे स्कूल, रवि प्रकाश बाबू, तो हमारा कॉलम में लाल रोशनी लगा दीजिए। 12 बजे के बाद हमारा सीएल होगा, वेतन नहीं कटेगा। वेतन किसी का बंद करना, वेतन काटना मानवाधिकार का उल्लंघन है। वेतन भोगी जो होता है, वेतन पर केवल उसी का अधिकार नहीं है, वेतन पर उसके बीवी बाल बच्चे परिवार का अधिकार है। इसीलिए आप शिक्षा संहिता पढ़ लीजिए, आप लेट मार्क हमको कीजिए। लेकिन लेट मार्क कैसे कहते हैं? 9:30 बजे कहते हैं आओ, अब फोटो दे दो, क्या कहते हैं, हाँ सेल्फी दे दीजिए। हम जाम में फंस गए, मोटरसाइकिल गड़बड़ हो गई, साइकिल गड़बड़ हो गई, बस हमारी नहीं चल सकी, तो 9:35 में जाता है आपका हाकिम और राज करके हमारे कोलम में खत्म कुटी कर देता है। हम पहुंचते प्रणाम जी की ओर से, प्रणाम प्रणाम, हम तो पहुंच गए, भाग गया एक स्कूल से दूसरा स्कूल। यह प्रतारित करना है। हम शिक्षकों को विश्वास में लीजिए, हम विभाग का
बिना शर्त समर्थन सहयोग करेंगे। बच्चे हमारे हैं, वे हमारी स्थायी पूंजी हैं। आप आज शिक्षा विभाग में हैं, कल जाइएगा वाणिज्य कर विभाग, फिर परसों चले जाइएगा केंद्रीय सचिवालय। लेकिन हम जिस धरती पर जन्मे हैं, ये बेटे हमारे हैं, ये बेटियां हमारी हैं। हमको ज्यादा दर्द है किसका हम बेहतर मनुष्य निर्माण करें, चरित्र निर्माण करें। हमको दर्द है एक गुरु का दर्द, एक बाप का दर्द। इसलिए हमको ये नहीं आइए कि लाठी बरसा दीजिए, दरमहा कट दी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक नियम बनाइए 12 बजे तक हमको, यदि 3 दिन हम लगातार आवेंगे आपसे, 1 दिन का आपसी अलमरा कट दी, पहले से नियम। लेकिन 9:35 9:37 9:38 में आप हमको दंड जुड़वाना मत, हम पढ़ाएंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहिए दीपक बाबू, अवकाश तालिका माध्यमिक विद्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा के दस्तखत से, अब दिसंबर आ रहा है, हम चुनाव देंगे, बैठेंगे, हम मनोज बाबू दस्तखत करेंगे, प्राइमरी में भी अवकाश तालिका 1 हो, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में अवकाश तालिका 1 हो, और हमारे अवकाश तालिका है रवि प्रकाश बाबू, उसमें निदेशक का निर्देश है प्रथम शाब्दिक परीक्षा कब होगी, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा कब होगी, तृतीय शाब्दिक परीक्षा कब होगी, जांच परीक्षा कब होगी, बाहर क्षेत्र में छुट्टी कब होगी, ये सब लिखा हुआ है। आपका बेगूसराय का डीएम कुछ तालिका, गोपालगंज का डीएम कुछ तालिका, जब जिसका मन होता है। अब तो प्राइमरी सेकेंडरी में कोई भेद नहीं रह गया, क्या कठिनाई होती है। उत्क्रमित विद्यालय जो हमारे मिडिल स्कूल में चलता है 9वां 10वां, उसमें परीक्षा का डेट कुछ है, हाई स्कूल में कुछ है। अब प्राइमरी में जाते हैं बीओ साहब देखने के लिए तो बंद मिलता है, और कभी उत्क्रमित में जाते हैं तो बंद मिलता है। निरीक्षण में भी असुविधा होती है, अध्यापन में भी असुविधा होती है, वर्ग संचालन में भी असुविधा होती है। इसीलिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, 1 अवकाश तालिका और 1 छुट्टी का नियम बनाइए। और अब हमारा मूल्यांकन, हम मान लीजिए 9:30 गए तो पढ़ाएंगे तो हम ना घोड़ा को पकड़िएगा कि जल्दी पानी पियो इस तालाब में, उसको प्यास लगेगी तब ना, हम पढ़ावे कैसे और हमारा मूल्यांकन कैसे हो। मुझको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी तजुर्बा है, मैं उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 8 साल था मेंबर, वहां था सेल्फ एप्रीजल रिपोर्ट, शिक्षक आज क्या पढ़ाएगा वह लिखता है अपनी डायरी। मैं जब शिक्षक था और जो प्रधानाध्यापक हुआ, दोनों अनुभव, मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, रात में मंत्री जी में पाठ टीका लिखता था नियमतः, और सवेरे पाठ्यक्रम पर प्रधानाध्यापक दस्तखत करते थे, और वही ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखता था कि आज हमको निराला की कविता भिक्षुक पढ़ानी है, क्या क्या इसमें कठिन शब्द है, और लड़कों से मैं लिखवाता था या करके संधि विच्छेद करो, आप पाठ्यक्रम अनिवार्य कीजिए, और पुराना असेसमेंट सिस्टम 80% लिखित परीक्षा और 20 नंबर का असेसमेंट, ये हमारा मूल्यांकन होगा, हम पढ़ाते हैं कि नहीं यही प्रमाण होगा। जो नहीं पढ़ावे निकम्मा है उसको हटा दीजिए, आप नहीं हटा सकते, हटाने का नियम है, आप हटाइएगा क्यों। आपने हमारी 4 परीक्षा ली, हम पहले एमए किए, बीए किए, बीएड किए, 2 परीक्षा, तीसरी पात्रता परीक्षा, चौथी दक्षता परीक्षा, कहा हमें निकम्मा, हमें नाकाबिल, हम सब दक्ष हैं। लेकिन मैं ईमानदारी शिक्षक होने के नाते मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मूल्यांकन आप नहीं करते, मेरा मूल्यांकन करते हैं हाजी करते, मेरा मूल्यांकन करते हैं डीपीओ ऑफिस में बुला के, और तुम गैर हाजिर है,
साफ साफ कहता हूँ रोहित प्रकाश बाबू, आपके यहाँ ज्यादा शिकायत है। डीपीओ या डीओ कहती है, कहता है तुम इसका बन जाओ, चली है कंपनी टूथपेस्ट बेचने वाली, साड़ी बेचने वाली, पैजामा बेचने वाली। दीपक बाबू गए हैं बेगूसराय जांच कर, डीपीओ डीओ ऑफिस में हमारे शिक्षकों का भयंकर शोषण होता है हर एक चीज में, इसको हम रोकेंगे आपके सहयोग से, क्योंकि हम भी आदत सुधारेंगे। और रोज आप कहते हैं कि पत्नियोजी शिक्षक नहीं रहेंगे, पत्नियोजी शिक्षक ही बना के सीखेंगे, फिर कहेंगे डीओ ऑफिस आप क्या कीजिए। देखिएगा अब आप लगाइए एक कि कहां इतना किलोमीटर में है, आप लगाइए हम आपका सहयोग करेंगे। पढ़ाने में कोई समझौता नहीं, मैं उसमें बहुत ही कठोर आदमी हूँ, मैं कठोर प्रधानाध्यापक भी रहा हूँ। मैं जब बरामदे पर निकलता था कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे कक्ष में कुर्सी नहीं रहती थी माननीय मंत्री महोदय, आप लेक्चरर हों तो वो टेबुल रहता था लंबा, कोई शिक्षक वर्ग में बैठा नहीं रहेगा। आप इस सिस्टम चालू कीजिए, लेकिन बिना विसंगति दूर किए, बिना समान वेतन दिए, बिना शेड्यूल टू लागू किए, ये असंभव है। आपके डर से हम क्लासरूम में जाएंगे। ए कल वाला याद किया है? नहीं सर, करते मारे विचार तमाचा, अपने मन का गुस्सा, इसको प्रक्षेपण विधि कहते हैं। गुस्सा है निदेशक का, दीपक बाबू का, हमारे चार तमाचा लड़का लड़की को प्रक्षेपित करते हैं गुस्सा। असंतुष्ट संगठित बल युद्ध में अराजक होता है, और संतुष्ट व्यक्ति भी आपका सामाजिक परिवर्तन कर देगा। इसलिए नक्स सेल में मेरा कहना है तमाम शिक्षकों की भावना के साथ, आप हमको समय पर वेतन दीजिए, रिक्ति की पूर्ति नियोजन सिस्टम को हटाइए, सीधे जाइए बिहार लोक सेवा आयोग। धन्यवाद है लालू प्रसाद को, उन्होंने जो बिहार लोक सेवा आयोग से पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की उनको वही वेतन मान दिया। आज चलिए जिन विद्यालयों में प्राथमिक मिडिल में हमारे वे शिक्षक हैं, वैसा हाई स्कूल में भी नहीं मिले। इतने जो बीआरसी सीआरसी ट्रेनिंग में वही सब हमारा जाता है शिक्षक, देखने सुनने में भी किसी आईएएस आईपीएस से कम नहीं। दुर्भाग्य है कि एक नंबर दो नंबर से छूट गया। प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं हमारे, वो एमएससी हैं, बीएससी हैं, डीलिट हैं, पीएचडी हैं, सबको अपने कमा कर दीजिएगा। जी नहीं, मैं नहीं मानूंगा प्राथमिक माध्यमिक अच्छे शिक्षक हैं। काम लेना है हमको उन शिक्षकों से, और काम लेना है प्यार से, बहुत सम्मान देकर, और भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे शिक्षा विभाग से नीचे से लेकर के ऊपर तक, और उसमें हम आपका सहयोग लेंगे। हम बताएंगे कहां कहां गड़बड़ कर रहा है हमारे शिक्षकों के साथ छुट्टी मंजूर करने में। आप कहते हैं मेडिकल में जाइए एडीएम के पास, क्विज एडीएम ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट डीडीसी के पास। जी नहीं, हमारी छुट्टी प्रधानाध्यापक मंजूर करेंगे, पहले भी हम करते थे, हमारा नियंत्रण रहेगा उस पर। अब इधर धर्म को क्यों टहलाते हैं? प्रधानाध्यापक की छुट्टी डीओ ग्रांट कर, बस कहे तो आते रहते। अब आइए जरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम अंत करें, आप वहां क्या शोषण रोक सकते हैं माननीय मंत्री जी? 25 रुपया लेता है, मृत्युंजय करता रहा था ऑनलाइन हम करते हैं दीपक बाबू, पैसा हम विद्यालय से देते हैं, और कहता है वोट के हमको दे दीजिए। विज्ञप्ति में आवेदन पत्र का शुल्क 20 रूपया, हम निकालते 60 रूपया, हम निकालते प्रिंट आउट हम निकालते 60 रूपया ये, अब 25 रूपया ऑनलाइन लीजिए।
अब आइए डमी एडमिट का, एक बार डमी प्रिंट आउट निकाले, दो बार डमी प्रिंट आउट निकाले, तीन बार डमी प्रिंट आउट निकाले, जोड़िए प्रिंट आउट का कितना पैसा, 30-35 से कम है। हमारा राज्य गरीब है, हमारे जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त भी बहुत से गरीब परिवार है जो भागते हैं कोचिंग से प्राथमिक विद्यालय में आ जाते हैं पोशाक के लिए साइकिल के लिए। आप इस सिस्टम को बंद कीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से माननीय मंत्री जी कि गरीब का शोषण बंद कीजिए, और जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अवकाश तारीख है उसके मुताबिक हमको पढ़ाने दीजिए। 3 महीना पहले फॉर्म भरा लेता है, हमको बैठा देता है, लड़के नहीं आएंगे, दीपक बाबू जाएंगे विद्यालय, विद्यालय मिलेगा सुना, आप जितना हमारा वेतन खाना है काट लीजिए। वो एग्जामिनेशन बोर्ड मैं भी मैट्रिक में था, सेंटर किया फॉर्म भरा विद्यालय जाना बंद, 3 महीना पहले बैठा देता है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव को बैठाइए, उनको समझाइए, देखिए पढ़ाई में हर्ज मत कीजिए, फुल सेशन हमारा जो चलेगा, हमने पाठ्यक्रम तालिका छापी है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से, प्रत्येक शिक्षक हिंदी शिक्षक जनवरी में कौन कौन पाठ पढ़ाएगा, फरवरी में विज्ञान शिक्षक कौन पाठ पढ़ाएगा, मार्च में कौन पढ़ाएगा, ये हम देते हैं प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित है, ये है हमारा मूल्यांकन पढ़ाई। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हमने दिया, हम इसी के मुताबिक ये कहता है।